अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम सभी पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी की जन्म जयंती मना रहे हैं। मुझे विषय दिया गया है पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली की विशेषताएं। मित्रों, यह विषय यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पर किसी भी लेखक या वक्ता की शैली का बहुत सूक्ष्मता से, निष्पक्षता से गहरा अध्ययन किया जाता है और उसमें उसके गुण भी बताए जाते हैं तो उसके दोषों को भी खोजा जाता है। और ये इसलिए किया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों पढ़ते हैं, ये शैली का विषय क्यों समझा जाता है। ये इसलिए समझा जाता है ताकि विद्यार्थी ये सीख सकें कि किसकी शैली में क्या गुण हैं और क्या कमियां हैं, ताकि वे गुणों को अपना सकें और कमियों को छोड़ सकें और खुद भी एक अच्छे वक्ता और लेखक बन सकें। इसलिए ये विषय बहुत गहराई से, निष्पक्षता से पढ़ा जाता है। मुझे विषय दिया है उसी तर्ज पर कि पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली की क्या विशेषताएं हैं। जो लोग उस ढंग से यदि गुरुदेव की शैली की विशेषताओं को पढ़ने, समझने, खोजने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उन्हें अनेक कमियां गुरुदेव की प्रवचन शैली में भी मिल जाए। उदाहरण के तौर पर वे यही कह सकते हैं कि गुरुदेव को तो यही नहीं पता था कि क्या गाथा है, क्या श्लोक है, और वे सब कोई गाथा बोलते थे। छह ढाला में भी उनको गाथा ही दिखाई देती थी कि छह ढाला की तीसरी गाथा में ऐसा लिखा है। इसी तरह और भी अनेक कमियां निकाली जा सकती है, लेकिन मैं उन सबको भी ये सोचने को बाध्य करना चाहता हूँ कि एक प्रभावशाली वक्ता, एक सफल वक्ता कैसे बना जाता है। इसके लिए हम इस तरह की तो बहुत तैयारियाँ करते हैं, ये नहीं होना, ये नहीं होना, छोटी छोटी बात पर हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इसी के कारण कई बार हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जो बड़ी बात होती है वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बड़ी बात को पकड़ा और छोटी छोटी बातें कदाचित उनकी शैली में न्यून रह भी गई तो वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, बल्कि लोगों को एक शिक्षा देने वाली बन गई कि जब मूल चीज़ हमारे पास में हो, बड़ी विशेषताएं हमारे पास में हो, तो छोटी छोटी विशेषताएं बहुत मायने नहीं रखा करती है। मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूँ, देखिए शैली का मतलब होता है उसकी प्रस्तुति का तरीका। तो क्या होता है कि कई बार हम पैकिंग ही पैकिंग पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि माल की क्वालिटी गिर जाती है। गुरुदेव ने माल की क्वालिटी कभी नहीं गिराई और उसके लिए जो खास शैली चाहिए उसको उन्होंने कभी नहीं गिराया, और इसके कारण उनकी शैली इतनी अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन गई कि वे जो लोग थोड़ी थोड़ी शैली संभालते फिरते हैं वे भी कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे मूल बात को छोड़ देते हैं।
मूल बात क्या है, जरा उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक वक्ता में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिखा है। और वो श्लोक ये लिखा है, जना घनाश्च वाचाला सुलभा शूरव्रतोत्थिता दुर्लभा यंतराद्रासु जगदभ्युदय जिहीर्षवः। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि ऐसे जन और ऐसे घन, घन माने बादल, ऐसे जन और ऐसे घन तो दुनिया में बहुत हैं जो व्रता ही उठ खड़े होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन ऐसे जन और ऐसे घन अत्यंत दुर्लभ हैं जो अंदर से जगत कल्याण की कामना से पूरी तरह भीगे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन शैली की यदि सबसे बड़ी कोई विशेषता है तो वो यही है कि वे करुणा से पूरी तरह भीगे हुए थे। जब ये गुण आता है, करुणा वक्ता का एक इतना बड़ा गुण है मित्रों, कि जब ये गुण आता है तो बाकी के सारे गुण दौड़े दौड़े उसके पास अपने आप चले आते हैं। जो जो जरूरी गुण होते हैं वे अपने आप चले आते हैं, और यदि ये गुण ना हो तो वो कितने भी बाहरी गुणों को जुटाकर साज श्रृंगार करे, लेकिन उससे वो सफल और सार्थक वक्ता नहीं बन पाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक दफ़े की बात है कि किसी ने मिर्जा गालिब से पूछा कि आप बहुत अच्छी शायरी बनाते हैं, मुझको भी शायरी लिखना सिखा दीजिए। तो मिर्जा गालिब ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, इश्क को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली की विशेषता दोस्तों यही है, और ये उन सब को एक बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहती है कि जो छोटी छोटी बातों से वक्ता को असफल कहना चाहते हैं और उनको संभाल कर खुद एक बहुत बड़े वक्ता बन जाना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी करुणा से, पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन शैली में उन विशेषताओं को संभाला। करुणा की तरह और भी कुछ उनकी विशेषताएं हैं, जैसे दूसरी विशेषता है दृढ़ता। गुरुदेव ने अपनी बात को बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा। तीसरी विशेषता है स्पष्टता। चौथी विशेषता है निडरता। पूज्य गुरुदेव ने जैन दर्शन को बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से समझा। ये उनकी बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने पढ़ पढ़ करके नहीं सुनाया खाली, बल्कि उसे समझकर, उसका स्वानुभव करके दुनिया को अमृत परोसा, और इसलिए उनकी शैली में दृढ़ता आई, स्पष्टता आई, निडरता आई। उन्होंने, आज तो समय बहुत बदल गया है दोस्तों, हम जब इन बातों को कहते हैं कि पाप पुण्य एक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो हमारा वैसा विरोध नहीं होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जिस समय ये बात शुरू की तो वे बड़े जोर देकर कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, छू सकता नहीं, राग से भला हो सकता नहीं। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधे वह भी दुख का कारण है। और बड़े बड़े धुरंधर पंडित उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गुरुदेव
अंगद जैसा पैर, सुमेरु जैसा पैर जमा कर बैठे थे, वे समझे थे और उन्होंने सिंह की तरह गर्जना कर करके कहा कि जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन जिनेंद्र देव ने देखा होगा, उसे इंद्र नरेंद्र भी अन्यथा कर सकते नहीं। क्या गजब की बात है, क्रमबद्ध पर्याय को समझने पर पुरुषार्थ उपड़ता है। ऐसी जो दृढ़ता है ये वक्ता को सफल वक्ता बनाती है, ये उसे सार्थक वक्ता बनाती है। जो देखा देखी रट रट कर बोलते हैं, गुरुदेव ने के प्रवचन शैली की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, निस्वार्थता। उन्हें प्रवचन के बदले में कुछ नहीं चाहिए था। ये जितने भी प्रोफेशनल वक्ता बनते हैं उनको कुछ बदले में चाहिए होता है, और नहीं तो यश चाहिए होता है। मैं बड़ा वक्ता बनूं, लेकिन गुरुदेव को मैं बड़ा वक्ता बनूं, मुझे दुनिया में कोई बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार के लिए कभी जाना जाए, ऐसी कहीं अंदर के कोने में भी कोई अभिलाषा किंचित मात्र भी नहीं थी, बल्कि यही भावना थी, बदा जीवो परमात्मा थाओ। पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली की एक और विशेषता थी कि वे कभी किसी का विरोध नहीं करते थे। कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने टॉपिक से भटके नहीं, ये उनकी अगली विशेषता थी। जिस विषय पर वे चल रहे हैं उस विषय को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। एक और उनकी विशेषता थी अनुशासन। उन्होंने कभी भी जीवन में अपना एक भी व्याख्यान, एक भी मिनट न देर से शुरू किया, न पहले ख़त्म किया। क्या अद्भुत शैली थी, सबको सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि वे क्या करते थे, कैसे वे एक उच्च कोटि के वक्ता बने। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन शैली की। एक ये बहुत 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 बड़ी विशेषता है कि वो वैराग्य रस से लबालब भरी हुई होती थी। कोई प्रवचन, कोई बात ऐसी नहीं थी, बार बार वे श्रोता को समय की दुर्लभता का एहसास कराते थे, चार गति 84 लाख के दुखों का एहसास कराते थे, वे वैभव की असारता का एहसास कराते थे। वैराग्य के रस में लपेट लपेट कर उन्होंने जो तत्व ज्ञान की गोलियां लोगों को खिलाई, ये उन्हें महान वक्ता बनाती है, महान प्रवचनकार बनाती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक वक्ता में जो असली गुण होना चाहिए वो गुण अपनाए, और इसीलिए वे बहुत बड़े प्रवचनकार सिद्ध हुए। हम सबको इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। मेरे पास और भी बहुत बातें हैं पर समय बहुत हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महान प्रवचनकार को मैं बारंबार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।